नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फाइन टेक बीआरके में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि शॉपसी एप्लीकेशन में पैसे को बैंक अकाउंट में कैसे भेजें, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मीशो शॉप 101 गल रोड रीसेलिंग एप्लीकेशन में पैसा ऑटोमेटिकली हमारे बैंक अकाउंट में भेज दिया जाता है, लेकिन शॉपसी एप्लीकेशन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। उसमें जो भी पैसा हम कमाते हैं वो पैसा हमें खुद को बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की, ठीक है, वहाँ पर ऑप्शन दिया होता है, तो उससे हम भेज पाएंगे, ठीक है। तो किस तरीके से सारा प्रोसेस होता है, बैंक डिटेल किस तरीके से ऐड की जाती है, और साथ ही साथ दोस्तों पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है, वो आज की इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि पैसा कितने टाइम बाद में आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है, ठीक है। अब दोस्तों ये सारी चीज़ें मैंने कर ली हैं, और क्योंकि मेरा पेमेंट शॉपसी एप्लीकेशन में बन चुका था तो मैंने उस पैसे को बैंक अकाउंट में भेजा है, और भेजा जो भी किस तरीके से भेजा और किस तरीके से मेरे बैंक अकाउंट में कितने टाइम में आ गया, तो वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले बता दूँ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। सुशाली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपके भी शॉपसी एप्लीकेशन में पैसे, ठीक है, बन गए हैं, आपने पैसे कमाए हैं, तो अब उसको आप बैंक अकाउंट में तो लेना ज़रूर चाहेंगे, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको अपने शॉपसी एप्लीकेशन में एक बैंक अकाउंट डिटेल ऐड करनी पड़ती है, ठीक है, जो कि उसका प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से होता है। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने अकाउंट के सेक्शन में जाना है, ठीक है, शॉपसी एप्लीकेशन को ओपन करना है, अकाउंट के सेक्शन में जाना है, और वहाँ पर जाने के बाद आपको दूसरे नंबर पे एक ऑप्शन मिलेगा बैंक अकाउंट डिटेल, ठीक है, तो उस पर क्लिक करना है, और वहाँ पर दोस्तों आपको अपनी बेसिक सी जानकारी फिल करनी है, जैसे कि नाम आपका, ठीक है, और आपका एड्रेस। उसके बाद दोस्तों बैंक डिटेल डालने का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पर आपको अपने बैंक का नाम डालना है, आपके बैंक अकाउंट नंबर डालने हैं, और आपका बैंक अकाउंट होल्डर नेम, ठीक है, जो आपके बैंक की पासबुक में होता है, वो चीज़ें आपको वहाँ पर फिल करनी है और सेव कर देनी है, ठीक है। और सेव जैसे ही करेंगे तो शॉपसी एप्लीकेशन वेरीफाई करेगी और एक रुपया आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी, ताकि उसको ये वेरीफाई हो जाए कि हाँ ये अकाउंट सही है और आपका ही है, ठीक है। तो इसे दोस्तों वेरीफाई हो जाएगा आपका अकाउंट और बैंक डिटेल आपकी सबमिट हो जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि पैसे को किस तरीके से बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। बैंक डिटेल तो हमने ऐड करने का, ठीक है, बता दिया है, और अब पैसा दोस्तों विड्रॉ करना पड़ेगा। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको, ठीक है, शॉपसी एप्लीकेशन को ओपन करना है, सबसे नीचे, ठीक है, नीचे पांच ऑप्शन है, तो उसमें से दोस्तों आपको 20 वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है, जिसमें लिखा होता है अर्निंग, और उस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक कंडीशन रखी गई है, वो है दोस्तों 100 रुपये कम से कम आपके, ठीक है, होने चाहिए, तभी आप विड्रॉ कर पाएंगे। अगर 100 रुपये से नीचे है तो आप उसको विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, अपने बैंक अकाउंट में नहीं ले पाएंगे, ठीक है, ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। तो कम से कम दोस्तों 100 रुपये होने चाहिए। अब अगर आपके 100 रुपये या उससे ज़्यादा कितना भी अमाउंट है, तो आपको यहाँ पे दिखा देगा पेमेंट एलिजिबल, और सामने आपका जितना भी पेमेंट होगा वो आपको दिखा देगा कि इतना पेमेंट आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और जो पेंडिंग होगा वो उसके जस्ट नीचे दिखाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे, ठीक है, पेमेंट नीचे विड्रॉ का ऑप्शन रहता है, ठीक है, विड्रॉल, तो उस पर क्लिक करना है, और उस पर क्लिक करने के बाद वो पैसा दोस्तों आपको वहाँ पे एक और परमिशन पूछेगा कि कंटिन्यू एंड प्रोसीड, तो उस पर क्लिक करना है, और उसके बाद दोस्तों वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा। अब फाइनली दोस्तों पैसा विड्रॉ करने का तो प्रोसेस यही है कि आपको अर्निंग में जाना है, विड्रॉ नाउ पे क्लिक करना है, और कंटिन्यू पे क्लिक करके आपके पैसे को ट्रांसफ़र कर लेना है। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये पैसा कितने टाइम में हमारे बैंक अकाउंट में आ जाता है, ठीक है। अब वीडियो तो बनाना ही है तो पूरा ही बनूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी छोटे छोटे वीडियो से कोई मतलब नहीं है, तो वीडियो पूरा डिटेल में बन रहा है, ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें समझ में भी आ रही है। मैं कुछ कुछ स्क्रीन के थ्रू भी यहाँ पे, ठीक है, दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से ये सारे से प्रोसेस होते हैं। तो उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप ट्रांसफ़र करेंगे आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा, ठीक है, 2-3 दिन, घंटा 2 घंटा, कुछ नहीं लगने वाला है। वैसे यहाँ पे बताया ज़रूर जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैंने विड्रॉ 2 अभी तक ले चुका हूँ शॉपसी एप्लीकेशन से, ठीक है। तो पैसा तुरंत विदिन 1 सेकंड मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे ही मैं विड्रॉ नाउ पे क्लिक करता हूँ और पैसा उधर मेरे अकाउंट में आ जाता है, और मेरे पास मैसेज भी आ जाता है। इसके अलावा दोस्तों बैंक अकाउंट में अगर आप देखेंगे, ठीक है, आपका अगर इंटरनेट बैंकिंग वगैरह यूज़ करते हैं तो वहाँ पे जाके आप देखेंगे तो आपका पैसा तुरंत आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो शॉपसी एप्लीकेशन में दोस्तों ये एक बहुत बड़ी बात है कि पैसा विड्रॉ करते ही तुरंत आपके अकाउंट में भेज दिया जाता है, और ये इनका सिस्टम काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। सो आज की वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि बैंक डिटेल शॉपसी एप्लीकेशन में कैसे ऐड करनी है, और साथ ही साथ दोस्तों किस तरीके से विड्रॉ लगाना है, और इसमें कोई भी दोस्तों आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है मेरे ख्याल से, और फिर भी होती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे बैंक अकाउंट डिटेल ऐड करने में वगैरह प्रॉब्लम आ रही है। वैसे आती नहीं है, मैंने देखा है,
जिस तरीके से मिशन 5101 ग्लो रोड में आती थी वैसे इसमें नहीं आती है, ठीक है। तो आप अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए खुला है, ठीक है, वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अभी पसंद आई हो, ठीक है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को रेगुलर देखा कीजिए, ठीक है। सो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।